आज बनाएंगे 10 मिनट में बन जाने वाला बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। इस नाश्ते को हम इडली का बैटर से बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो मैंने इडली का बैटर ले लिया है दोस्तों, तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक गैस पे पैन रखा है, उसमें तेल डालेंगे करीब 2 चम्मच। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच राई, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च और अदरक। अब हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और टमाटर। अब हमें इसे भी करीब 1 मिनट के लिए भून लेना है, या फिर जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2 उबले आलू को मैश करके डाल दिया है। अब हमें इस मसाले को करीब 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। दोस्तों, आप यहाँ पे मसाला जितना अच्छे से भूनिएगा उतना ही ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो मसाला लगभग भून चुका है, तो मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। अब हम इसे साइड में निकाल लेंगे, तो हमारा मसाला बनकर तैयार है। तो इडली का घोल मैंने अलग एक बर्तन में निकाल लिया है। तो मैंने इडली का सांचा ले लिया है, इस तरह से मैंने इसमें तेल लगा दिया है। अब हम इसमें 1/1 चम्मच इडली का बैटर डाल देंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी और इजी रेसिपी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो आलू का मसाला जो था उसका मैंने इस तरह से टिक्की बना लिया है। अब हम इडली के बैटर के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा इडली का बैटर और डालकर इसे हम कवर कर देंगे। तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, आप इसे स्टफ्ड इडली भी बोल सकते हैं। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है अच्छे से, बीच में आप चेक कर लीजिएगा। तो हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप इसे चाहे तो बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी है। अब हम इसे थोड़ा तोड़कर दिखा देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।